Anybody has any questions, please start one by one. I'll come to you one by one. First, let the captain and the coach speak first. Okay, sure. Captain, you want to say something about the tournament? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरी वन, आप सब यहाँ पे आए एंड डेफिनेटली हमारी टीम काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी हैप्पी है कि हम इंडिया में काफ़ी टाइम के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और होपफुली हम अपनी गेम से आप सबको इम्प्रेस करेंगे. थैंक यू. ये बड़ा इवेंट है क्योंकि पांचों बार देश में हो रहा है, तो क्या इस बार आप चाइना से पास करने के लिए तैयार हैं? मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, चाइना से सेमीफाइनल आप लोग शायद जीरो से हारे हैं, क्या चाइना को इस टूर्नामेंट से बिल्कुल हमारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एशियन गेम में भी काफ़ी अच्छी तैयारी थी. ऐसा कुछ भी नहीं था कि जाने से पहले हम बोले कि नहीं ये चीज़ मिस था. और आपके क्वेश्चन का कि हाँ आपने पूछा सेमीफाइनल लूज किया, डेफिनेटली हमें पता है कि वो मैच हम अच्छा नहीं खेले थे, ओपोनेंट कैसा खेला वो सेकेंडरी है, बट हम खुद हम 18 मेंबर्स अपनी टीम अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं थे. बट हर चीज़ सीखने के लिए होती है और स्पोर्ट्स में हार जीत दोनों ही चीज़ें, कोई भी चीज़ को आप कंफर्म लेके नहीं चल सकते हो. समटाइम्स बहुत अच्छा खेल के भी वो रिजल्ट नहीं मिलता और अभी पूरी टीम काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एक यही है कि हमें मैच बाय मैच जाना है. खाली चाइना नहीं है, फर्स्ट मैच हमारा थाईलैंड के साथ है, देन मलेशिया के साथ है, तो हर एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो स्टार्टिंग में बोला वही कि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और झारखंड में हमें पता है कि यहाँ की ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है, कितना सब कुछ है, तो एक हमारे लिए भी एक नई चीज़ है, चैलेंज है. बट उसके साथ साथ हमें खुद की गेम पे फोकस रखना है कि हम कैसे एज ए टीम इस टूर्नामेंट में खेलते हैं. हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि 18 प्लेयर्स टीम में हैं तो वो इंडियन टीम है. और जब मैं एयरपोर्ट पे भी आई थी तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड से कितने प्लेयर हैं, तो वो तो आप सबको ज्यादा पता होना चाहिए. हमारे लिए सब प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप चार प्लेयर का नाम ले रहे हो तो वही जरूरी है. बट हाँ, निकी अपने आप में एक बहुत बेस्ट डिफेंडर है, संगीता है अच्छी प्लेयर है, देन सलीमा है अच्छी है, ब्यूटी है, हमें आज वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है बट बहुत अच्छी प्लेयर है, बट उसका नी इंजरी की वजह से थोड़ा टाइम बीच में नहीं खेल पाई. हर एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली जो टीम में है वो सब अच्छे हैं. ओके, हमारे लिए सब मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इंडिया जब भी एशियन टूर्नामेंट होते हैं चारों टीम एक जैसी है कि चाहे कोरिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, हमेशा काफ़ी क्लोज मैच रहते हैं. बट उससे पहले हमारा मैच थाईलैंड और मलेशिया से है, तो हमारे लिए वो मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एशियन में आपने काफ़ी बार फाइनल में गए, एक ही बार जीत पाए, क्या दूसरी बार हमें खिताब कितने को मिलेगा इंडिया टीम? कोई और आंसर कर सकता है कि मुझे थोड़ा ब्रेक मिल जाए. देखिए, आप हमेशा बोलते हैं कि परफॉर्मेंस के बारे में कि आप जीत सकते कि नहीं जीत सकते. तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना परफॉर्मेंस जो है वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम लोग दूसरा टीम के उसमें उन लोगों का कैसे सिचुएशन है या उनका जो प्रिपेयर है हमें कुछ भी नहीं पता है. लेकिन हमें इतना पता है कि हम लोग जो किया है बेंगलोर में, कैम में किया, अभी रांची में कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है. आप झारखंड से हैं ना? नहीं, मैं उड़ीसा से हूं. काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब आज पूरे इंडिया में हॉकी को एक बहुत मान सम्मान दिया जा रहा है और आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स वीमेंस टीम को भी काफ़ी सभी जगह से बहुत सम्मान मिल रहा है. और उड़ीसा हॉकी हमेशा स्पोर्ट्स के लिए बहुत कर रही है, हॉकी के लिए कर रही है, आज झारखंड से भी हमें सेम वही रिस्पेक्ट प्यार मिल रहा है और टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो एक ही अच्छी शुरुआत है और हम सब इस चीज़ के लिए खुश हैं. एटमॉस्फेयर के बारे में क्या कहेंगे?
काफी अच्छा है। हम डेफिनेटली इंटरनेशनल टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे झारखंड में खेल रहे हैं, बट डोमेस्टिक काफी खेले हैं। और मैंने 2011 में नेशनल गेम खेला था, तब से मुझे पता है कि यहाँ पे हॉकी का लोगों में कितना क्रेज है, कितना सपोर्ट करते हैं, तो वो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और इंडिया में जो भी है, बहुत कम बार हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए विमेंस को लेके, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और झारखंड जैसे अगर स्टेट में किया जा रहा है और वहाँ लोगों को इतनी सपोर्ट मिल रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। I know the question. Okay, हमारे कोर ग्रुप 34 लड़कियों का है और सब अपनी तरफ से बेस्ट कंपटीशन देते हैं और हर कोई टीम में आना चाहता है। सुशीला एशियन गेम में थी, बट एक इंजरी का किसी को नहीं पता होता। सेम जैसे मैंने ब्यूटी का बताया, ब्यूटी एक बहुत अच्छी प्लेयर है, काफ़ी अच्छी स्ट्राइकर है। उसकी खली भी हमें यह था कि हाँ, जब उसको हुआ तो अकेले वो दुखी नहीं थी, हमारी पूरी टीम डिस्टर्ब हुई थी उस चीज़ से। बट ये पार्ट ऑफ गेम है, हमारे हाथ में नहीं है, कोई भी प्लेयर को इंजरी होती है, बट उसकी रिप्लेस में जो है वो भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। सब जगह का अलग अलग रहता है, थोड़ा बम्पी है, बट वो हम लोग खेल के यूजफुल है। और जिससे बाहर भी जाते हैं उसमें भी कुछ ग्राउंड रहता है कि स्लो भी रहता है, फास्ट भी रहता है, तो ग्राउंड का हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हाँ, देखिए ड्राइव लीग में जैसे हम दीपिका और मैं हूँ, तो उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइव लीग एक थोड़ा हम लोग के लिए जो रहता है ना कि फर्स्ट रसर ओपोनेंट का जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें जैसे हीटर भी है, नवनीत कौर है और नेहा है, तो उन लोग का भी एक एडवांटेज मिलता है कि हम लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस उस दिन नहीं दे पा रहे तो एक हीटर भी उस दिन स्कोर करता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमारे जो बाकी है उन लोग कर रहे हैं। और ट्रैक पे जब स्कोर करने के अलावा जब पेनल्टी कॉर्नर्स डिफेंड भी करते हैं, तो डिफेंस पे क्या ट्रेनिंग चल रही है, वो थोड़ा सा बता सकते हैं? डिफेंस में भी देखिए, जैसे चाइना टीम है, उनका जो ड्राइव फ्लिक है बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से हम लोग भी देखते हैं कि ओपोनेंट का जो ड्राइव फ्लिक अच्छा है या स्लैप अच्छा है, हिट अच्छा है, तो उस हिसाब से हम भी एक ट्रेनिंग करते हैं कि हमारे जो फास्ट रेसर है उन लोग भी बहुत अच्छा है। मतलब जो चार करते हैं उतना ही बस नहीं है, हमारे जो टीम में जितना भी डिफेंस करते हैं उन लोग बहुत अच्छे हैं, तो हम बिलीव करते हैं कि हम कौन सा जिसे स्लैप मारते तो हम कौन सा रसर को हम लोग यूज कर सकते हैं। Any other questions?